प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आ रही है। साहेबगंज जिले के पुरानी साहेबगंज मोहल्ला वार्ड नंबर 24 में रहने वाले मुन्ना पहाड़िया, जो अपने दादाओं के ज़माने से पुरानी साहेबगंज में रहते चले आ रहे थे, जिसमें वहीं के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा मुन्ना पहाड़िया की ज़मीन पर अवैध एवं जबरन मंदिर का निर्माण किया, जिसमें साहेबगंज पुलिस प्रशासन भी शामिल था, जिसके कारण मुन्ना पहाड़िया को अपनी ज़मीन एवं घर को छोड़कर रातों रात जाना पड़ा। मैं शिखा, ये है मेरा पहाड़िया समुदाय। कमेटी कभी था नहीं गांव में, लेकिन कमेटी बनाया नया और बना के हमारा ज़मीन ज़बरदस्ती वो लोग घेरने लगा, और मकान जो बना हुआ सील लगा हुआ था उसको तोड़ने लगा। उसी समय से विवाद होना शुरू हो गया। कब की बात है ये? बात 2005 की है। कितना ज़मीन था आपका? ज़मीन तो बहुत है, लेकिन हम लोग को रसीद एक ठो कटता है, जो रसीद कटता है अलग अलग कटता है, इकट्ठा 12 धुर का रसीद अभी प्रेजेंट में फिर मिला है। आपका वहाँ घर पक्का बना हुआ था? पहले ज़माने में हमारा दादा का जमीन है, घर है, जो ईंटा का खपड़े मकान है, और एगो नगर पालिका से भी मकान इससे हुआ था जो बना हुआ है, जिसमें हम लोग रहते थे। अभी आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? अभी हम अपना गुजारा फुटपाथ पर बीड़ी खैनी पर दुकान लगा के सब परिवार मिल के काम करते हैं, बच्चा उसी से भरण पोषण चल रहा है। अच्छा, केस कैसे आपको, कितने दिन जगह आप कहीं आवेदन दिए हैं कि नहीं दिए हैं? केस तो हम डीसी एसपी सबको दिए हैं, दिए थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ तो बाद में सीजीएम कोर्ट साहेबगंज में केस चल रहा है, 12/2/2012 से अभी तक चलिए रहा है, कब तक चलेगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुन्ना पहाड़िया मेरे समुदाय से हैं, इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग यह चाहते हैं कि आबिद मंदिर को हटाकर मुन्ना पहाड़िया को उसकी ज़मीन वापस देते हुए दबंग व्यक्ति छोटे लाल चौधरी, राजेश गोंड एवं उनके साथियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि साहेबगंज जिले के उपायुक्त श्री उमेश प्रसाद सिंह को मोबाइल नंबर 9431152021 पे फ़ोन करके दबाव बनाएं, ताकि मुन्ना पहाड़िया को उसकी ज़मीन वापस मिल सके। मैं शिखा कुमारी पहाड़ी, जिला साहेबगंज, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।